हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है RCM मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान कैसे वर्क करता है MLM में। तो दोस्तों पहले हम लेते हैं इंसान। इंसान क्या करता है? इंसान कार्य करता है। कार्य करता है तो पैसा पाता है, और पैसे को क्या करता है? बाजार में खर्च करता है। खर्च करता है तो क्या अब सोचने वाली बात यह है कि जिस बाजार में पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या उस बाजार व्यवस्था से हमारा यानी हमको कभी इनकम हुआ है? नहीं दोस्तों, कोई इनकम नहीं हुआ है, कोई बचत नहीं हुआ है, कोई व्यवसाय नहीं, हमारा व्यवसाय नहीं हुआ है, दुकानदार का व्यवसाय हुआ है, कंपनी का व्यवसाय हुआ है और मिडिल मैन का व्यवसाय हुआ है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये व्यवसाय बचत और इनकम हमको क्यों नहीं होता है, हमको क्यों ये सब व्यवसाय हमारे क्यों नहीं होता है, हमको बचत क्यों नहीं होता है, हमारा इनकम क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम सभी लोग ग्राहक हैं। हमको सामान की जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? पास की दुकान पे जाते हैं, जिसे हम फुटकर विक्रेता बोलते हैं। फुटकर विक्रेता अपने पास फैक्ट्री नहीं लगाए होते हैं, ये क्या करते हैं? इनसे जो बड़ी दुकान होती है वहां सामान को लाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? थोक विक्रेता बोलते हैं। और ये भी देखा गया कि ये भी सामान नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं? वितरक से लेते हैं। और वितरक क्या करते हैं? एजेंसी से लेते हैं। और एजेंसी क्या करती है? कंपनी से लेती है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी 5 का प्रोडक्ट बना रही है, उसका लागत बेनिफिट 5 में ही इंक्लूड है, तो क्या इन लोगों के माध्यम से सामान हमारे पास आते आते 5 का ही रह जाएगा? नहीं दोस्तों, यानी इन लोगों के माध्यम से हमारे पास आते आते सामान 10 का कम से कम डबल हो जाता है। यानी 5 का सामान हमारे पास इन लोगों के माध्यम से आएगा 10 का हो जाता है, और 50 का कंपनी बना रही है, 3 लोगों के माध्यम से आते आते 100 का हो जाता है। तो दोस्तों ये देखा जाए कि सामान है 50 का, हम दे रहे हैं 100 रुपया, यानी ये देखा जाए तो हमारा 50% यानी 50% यानी जो बोलते हैं कि 50 रुपया हमारा कहाँ जा रहा है? इन लोगों के बीच में जा रहा है। ये देखा गया कि 25% मीडिएटर यानी मिडिल मैन लेते हैं, एजेंसी वितरक थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता मिलके 25% लेते हैं यानी हमारे पैसे को। और 25% क्या होता है? प्रचारक लेते हैं, यानी इसमें एक पब्लिसिटी होता है यानी प्रचार, जिसे आम व्यक्ति नहीं करता है, सेलिब्रिटी करती है, हीरो हीरोइन और खिलाड़ी, यानी ये लोग मिलके प्रचार करते हैं। और जब प्रचार करते हैं तो कंपनी का सामान तेजी से बिकता है, और तेजी से बिकता है तो एजेंसी और वितरक वाले लोग मिलके क्या करते हैं? मिलावटी करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी पहले सामान बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन अब क्या कर रही है? ये भी घटिया बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों हम लोग ये जान ले, कंपनी घटिया नहीं बनाती है, घटिया बीच के लोग करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाय या भैंस कभी पानी वाला दूध नहीं देती है, दूध हमको पानी वाला मिलता है बीच के लोगों से, यानी जो बेचता है उससे मिलता है। उसी तरह जो कंपनी करोड़ों रुपया लगा के कंपनी सेटअप की है, तो क्या वह मिलावटी करके अपने ग्राहकों को देगी? नहीं दोस्तों, यानी कंपनी मिलावटी नहीं करती है, बीच के लोग मिलावटी करते हैं। और पैसा हमारे ही पैसे को 50% को लेकर ये लोग अमीर बन जाते हैं, और हम हमेशा गरीब ही रह जाते हैं।
तो दोस्तों ये देखा जाए इस कड़ी में इनको क्या कर दिया जाए, बायकट कर दिया जाए, यानी इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इस कड़ी में ये देखा जाए कंपनी क्या है, मुख्य है और ग्राहक मुख्य है। कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक यूज करता है। यदि कंपनी सामान न बनाए तो ग्राहक का काम नहीं चलेगा, और ग्राहक न सामान ले तो कंपनी का कार्य नहीं चलेगा, यानी कंपनी ही नहीं चलेगी। तो दोस्तों क्या हुआ, 1959 में कुछ फॉरेनर MBA के स्टूडेंटों ने क्या किया, इस पे एक शोध किया, और उन्होंने क्या किया, कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को मिला दिया, जिसमें क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक यूज करता, अभी भी सामान कंपनी 50 का ही बनाती है और ग्राहक 100 का ही लेता है, लेकिन हमारा जो 50% पैसा बचता है कंपनी क्या करती है, 5% को ट्रांसपोर्ट पे कर देती है, खर्च कर देती है, और 10-32% का जो लाभ होता है वो हमारे खरीदारी पे परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है, 8% रॉयल्टी देती है और 5% टेक्निकल देती है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या देखा कि मतलब MLM डायरेक्ट सेलिंग का एक प्लान को देखा हमने, कि हमारा ही 50% जो ये था, ये लोग लेके अमीर बन रहे थे, लेकिन वो 50% यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को जोड़ दिया जाता है, वो 50% बचता है, और उसी पैसे को कंपनी क्या करती है, एक सिस्टम से हमको पे करती है, उसी पैसे को हम लोग क्या करते हैं, पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो के लिए मैं इसी चैनल पे फिर नया एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।